Good morning, everyone. I am Anamika Gautam, lecturer interior decoration, posted at GWPC Sanganer, Jaipur. Today we will discuss about types of tie backs. In earlier video, we have discussed about types of curtains, and taking it to the more further, today we will learn about curtain accessories, and specifically in curtain accessories, we will talk about types of tie backs. Firstly, we should know what are tie backs. Tie backs kya hai? Tie backs are used to secure a curtain to one side of a window and letting in daylight inside an interior space. Tie backs kya kaam karte hain? Window pe jo curtain laga hua hai, usko ek taraf collect karke jab hum rakhte hain, to tie backs ko hum tie kar dete hain so that wo apne place pe rahe. Aur us window mein se jo bhi din ka prakash hai, wo hume andar kamre mein mil sake. The tie backs not only hold the curtain panels in place but also add a finishing touch to the window treatment. They add color, texture and interest to otherwise plain drapery. Tie backs jo ek curtain hai agar wo plain bhi hai, plain fabric ka bhi humne nude colors mein ya pastels mein lagaya hai, तो उस पर भी हम कोऑर्डिनेटेड टाइबैक लगा के कलर ऐड कर सकते हैं. डिफरेंट मटेरियल में हो तो अनादर टेक्सचर ऐड होता है और वो उसको मोर डेकोरेटिव और मोर इंटरेस्टिंग बनाता है एंड इट गिव्स अ फिनिशिंग टच टू दैट विंडो ट्रीटमेंट. द पोजीशन ऑफ द टाइबैक ऑन द कर्टन अफेक्ट द अमाउंट ऑफ एक्सपोज्ड ग्लास एंड द स्टाइल ऑफ ट्रीटमेंट. टाई बैक को जब हम किसी कर्टन पे लगाते हैं तो उसकी जो पोजीशन है, जिस हाइट पर हम उसे लगा रहे हैं, वो तय करती है कि कितना हमें विंडो का पैनल, ग्लास पैनल दिखाई देगा या उसकी स्टाइल ऑफ ट्रीटमेंट क्या रहेगा या उससे कितना प्रकाश आएगा. इसीलिए हम पोजीशन टाई बैक लो टू विजुअली वाइडन अ विंडो एंड पोजीशन देम हाई टू विजुअली एड हाइट. इसीलिए जब हम टाई बैक लगाते हैं तो उनकी पोजीशन अगर हम लो रखते हैं कर्टन पे तो वो विंडो को वाइडन लुक देता है और अगर हम हाई रखते हैं तो वो विजुअली हाइट का इल्यूजन क्रिएट करता है. नाउ द टाइप्स ऑफ टाइबैक्स. टाइबैक्स क्या होते हैं ये समझने के बाद हम अब समझते हैं कि विभिन्न प्रकार के टाइबैक्स कैसे होते हैं. टाइबैक्स बहुत ही सिंपल और इलैबोरेट दोनों तरह से हो सकते हैं. बहुत सिंपल फैब्रिक के, सेम फैब्रिक के बने हुए, और इलैबोरेट मोर डेकोरेटिव, दोनों तरह से अकॉर्डिंग टू द ट्रीटमेंट, अकॉर्डिंग टू द इंटीरियर्स हम उनको सेलेक्ट कर सकते हैं या बना सकते हैं. The first type here we consider is tailored tie backs. Tailored tie backs में क्या होता है, ये बहुत ही सिंपल होते हैं. फैब्रिक का एक लूप बना होता है. दीज आर वेरी सिंपल इन स्टाइलिंग एंड मेड ऑफ अ लूप ऑफ फैब्रिक. एंड इन दीज टाई बैग्स दे कैन बी मेड फ्रॉम अ कोऑर्डिनेटिंग फैब्रिक और द सेम फैब्रिक एज द कर्टन. जैसी कर्टन का कपड़ा है उसी कपड़े के भी बन सकते हैं और उसके अलावा अनादर फैब्रिक में अनादर टेक्सचर, अनादर कलर कोऑर्डिनेशन लेते हुए भी हम उनके टाइबैक्स बना सकते हैं. टेलर टाइबैक्स हम दोनों तरह से क्रिएट कर सकते हैं. दीज आर द इमेजेस ऑफ टेलर्ड टाइबैक्स. इन द फर्स्ट इमेज हियर वी सी द स्ट्राइप्ड कर्टन एंड इट हैज़ द सेम टाइबैक, उसी कपड़े का जिसका कर्टन बना हुआ है उसी का टाई बैक हमने लगाया हुआ है. एंड इन द सेकंड इमेज हमें दिखाई दे रहा है प्रिंटेड फैब्रिक का कर्टन है और उस पर हमने स्ट्राइप्ड टाई बैक लगाया है जो कि कोऑर्डिनेटेड है. The second one is braided tie bags. In this type of tie bags, the cords are braided together. As shown in the image, you will see in the next slide. हम इसमें क्या करते हैं, braided tie bags में अलग अलग कलर की cords को ले सकते हैं या एक ही कलर की तीन या चार cords को लेके एक साथ braid करते हैं
और उसी से टाई बैग बनाते हैं। इट लुक्स मोर डेकोरेटिव, टेक्सचर ऐड करता है और टाई बैग्स में मोर इंटरेस्ट या मोर ड्रामा या मोर प्ले करता है। These are the images of braided Tyvek. In the first image, you can see how we are braiding it. Three cords को लेके और हम उसको braid कर रहे हैं. In the second image, वही हमने Tyvek के रूप में braided जो हमारी cords थी, उनको Tyvek के रूप में लगाया हूँ. Now the next one is cord and tassel Tyvek. In these kind of tiebacks, a cord and tassel tieback may consist of a single or paired set of tassels connected to a rope or cord with either one or two loops. इसमें क्या होता है कि cord या जो rope हम ले रहे हैं उसके ends पर हम tassels लगा देते हैं. These loops are secured around the curtain in the same way as the other soft furnishing tiebacks. जैसे सभी अभी तक हमने पढ़े टाइबैक्स लगते हैं वैसे ही ये लगता है, पर इसमें क्या होता है कि जो रोप या कॉर्ड है उसके एंड्स पर टेसल्स लग जाते हैं जो कि ब्यूटीफुल लगते हैं और उसको ब्यूटीफाई करने के लिए ही हम उनको ऐड करते हैं. ये यूजुअली हैंग किए हुए रहते हैं जब हम टाई कर देते हैं कॉर्ड को, तो उसके बाद ये टेसल्स नीचे लटकते हुए हमें दिखाई देते हैं. Cord and tassel tie bags are specially suitable for elegant period interiors. जो elegant period interiors अगर हम कर रहे हैं उसमें हम curtains use कर रहे हैं, तो उसके अंदर हमें उन curtains के साथ में हमें cord and tassel tie bags को use करना चाहिए. They look beautiful with those kind of interiors. These are the images of cord and tassel tie bags. You can see in the first image. You can see ये कॉर्ड कर्टन के अराउंड हमने लगाया हुआ है और नीचे टेसल्स आपको लटकते हुए हैंग होते हुए दिखाई दे रहे हैं. सेम विद इसमें सेंट्रल सेंट्रली हमने प्लेस किया है कर्टन को सेंटर में लेके, और सेकंड इमेज में हमने साइड में कर्टन को लेकर उसको कॉर्ड एंड टेसल टाई बैग से टाई किया हुआ. दिस इज द अनदर टाइप ऑफ टाई बैग्स, रूस्ट टाई बैग्स. In this kind of tie bags, ruching and other creative trims can be draped and tied in unconventional ways, as shown in the image on the next slide. आप अगली जो slide है उसमें आप देखेंगे. इसमें क्या होता है कि हम creative different kind of trims को, ruches को हम use कर सकते हैं as a tie bag. It is very unconventional. Of course, unconventional तो है ही, क्योंकि यूजुअली हम कॉर्ड एंड टेसल और फैब्रिक टाइबैग्स ही यूज़ करते हुए आए हैं. बट ये बहुत इंटरेस्टिंग लगती हैं, मोर डेकोरेटिव एंड मोर क्रिएटिव. इट एड्स यू नो सर्टेन क्रिएटिवनेस टू द टाइबैग्स. इट लुक्स मोर ब्यूटीफुल. दिस इज द इमेज इमेज ऑफ रूस्ट टाइबैग्स. यू कैन सी कितना सुंदर लग रहा है और अलग तरह का टाई बैक है जिसको टाई कर दिया गया है कर्टन पे. तो अनदर वन इज वी आर टेकिंग अनकन्वेंशनल टाई बैक्स. अर्लियर रूस्ट में भी हमने अनकन्वेंशनल होने की बात की थी, और ये और आगे है उससे, एक स्टेप फर्दर हम और आगे मूव कर रहे हैं. अ टाई बैक कैन बी मेड विद अ ब्राइट एथनिक नेकलेस और विद बीड्स बॉट सिंगली एंड थ्रेडेड इन टू एन अप्रोप्रिएट डिज़ाइन. गार्लेंड्स कैन बी यूज एज टाई बैग्स टू फ्रेम अ सीनिक व्यू. दोनों एग्जाम्पल से आपको समझ में आ रहा होगा कि हम अनकन्वेंशनल चीज़ों से अनकन्वेंशनल डिज़ाइंस बनाकर टाई बैग्स की तरह उन्हें यूज़ कर सकते हैं. जैसे कि हम किसी भी नेकलेस को टाई कर दिया अगर कर्टन के अराउंड, तो दैट कैन बी अ न्यू एंड क्रिएटिव टाई बैग. और इसी तरह से हम बीट्स लाकर उनको भी एक डिज़ाइन में थ्रेड करके और उसको टाई कर देते हैं अगर, तो वो भी एक बहुत अच्छा प्रकार है अनकन्वेंशनल टाई बैग का.
गार्लैंड्स होती हैं, और आपने देखा है कि हम लोग आर्टिफिशियल प्लांट्स लेकर आते हैं, उनमें कई बार लीफी गार्लैंड्स और ये सब अवेलेबल है, तो उनको भी हम कर्टन के अराउंड टाई बैक की तरह टाई कर सकते हैं, एंड इट गिव्स द मोर ब्यूटीफुल लुक टू द ट्रीटमेंट. एज यू कैन सी द इमेजेस ऑफ अनकन्वेंशनल टाई बैक्स, जैसे हमने पहले बात अभी किया, गार्लेंड्स को हमने लीफी गार्लेंड्स को टाई कर दिया, या एक नेकलेस को टाई कर दिया कर्टन के अराउंड, एंड एज यू कैन सी इन द इमेज इट इज लुकिंग ब्यूटी. दिस इज द अनादर वे ऑफ मेकिंग टाई बैग्स, एम्बेलिश्ड एंड एम्ब्रॉयडर्ड टाई बैग्स. एम्बेलिशमेंट्स कैन बी यूज टू सेटिस्फाई योर क्रिएटिव इंस्टिंक्ट्स एंड टू ऐड द पर्सनल टच टू द टाई बैग्स. ऑफ कोर्स जब आप किसी भी टाई बैग को मटीरियल को एम्बेलिश करते हैं, उस पर एम्बेलिशमेंट्स लगाते हैं, तो आपकी जितना क्रिएटिव हो सकते हैं आप उसमें यू कैन यूज़ द टाइप्स ऑफ एम्बलिशमेंट्स, और उनका जो पैटर्न है वो आप अपनी क्रिएटिव इंस्टिंक्ट के थ्रू आप प्लेस कर सकते हैं, बना सकते हैं, और ऑफ कोर्स ये एक पर्सनल टच ऐड करता है टाइप बैग्स को, तो इट इज़ मोर वैल्यूबल एंड मोर यू नो द मोर ब्यूटिफुल. ऑफ कोर्स सिमिलरली एम्ब्रॉयडरी कैन बी यूज ऑन द टाई बैग्स, हम एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं उस पर, जिस भी तरह का पैटर्न हम बनाना चाहें, जो कलर कॉम्बिनेशन हम लेना चाहें, और उससे भी हम एक पर्सनल टच देते हुए टाई बैग्स बना सकते हैं. एज यू कैन सी द इमेजेस एम्बलिश्ड और एम्ब्रॉयडर्ड टाई बैग्स. इन फर्स्ट इमेज एम्बलिशमेंट्स लगाए हुए हैं टाई बैग्स के ऊपर, और एक सर्टन पैटर्न बना के उसे उनको बनाया हुआ है, और इन द सेकेंड इमेज एम्ब्रॉयड्री की हुई है और क्रॉस स्टिच है और बहुत सुंदर लग रहे हैं. सो आज हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाई बैग्स पढ़े हैं जो कि कर्टन को एक्सेसराइज करने के काम में लिए जाते हैं. दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक्स.